Assalamu alaikum students of class 6, how are you all students? Hopefully you all will be fine students in your homes and studying properly. Okay students, in the previous lecture from the chapter atom and its structure, as you know that we have studied about the atomic number and mass number in detail. I would like to recall a few points of atomic number, like as number of proton present in the nucleus of the atom is called as the atomic number. Number of proton present in the nucleus of the atom is called as the atomic number of that atom, and it is represented by capital Z. Okay, we represent it as by capital Z. Okay, so yani jo nucleus mein jo number of proton hote hain unko jab hum count karte hain to usse hum kehte hain us atom ka atomic number. अच्छा, वी नो दैट द ऑलवेज इन एवरी एटम ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं. मीन्स इट इज़ अ लाइक अ रूल दैट ऑलवेज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. तो इसी एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन को हम इलेक्ट्रॉन के हवाले से भी, उसके रेफरेंस से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर. ठीक है, आप एक ही डेफिनेशन याद करिएगा जो मैंने आपको प्रोटॉन के हिसाब से बताई है, प्रोटॉन के हवाले से बताई है, लेकिन सेकेंड डेफिनेशन भी यूज़ होती है. ओके, सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू वन मोर थिंग दैट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन नंबर. ठीक है, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटॉन नंबर बिकॉज एज वी ठीक है, एज वी काउंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन सो दैट वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटॉन नंबर. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मास नंबर. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज द मास नंबर. इट मीन्स व्हेन वी सम अप द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एग्जिस्टिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट विल बी कॉल्ड एज द मास नंबर. मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ए. ठीक है, यानी जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम प्लस करते हैं, सम अप करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मास नंबर. और मास नंबर को हम शो करते हैं कैपिटल ए से. ठीक है, सो एवरी एटम हैज द पजेस द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. ओके, एंड देन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एटम. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर, मास नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो तो ज़ाहिर एलिमेंट ही चेंज ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक नंबर की चेंज से एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी चेंज जाती हैं. तो इट्स नेसेसरी टू लर्न द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ज़रूरी याद करना इनके बारे में. तो इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव प्रोवाइडेड यू द लिस्ट ऑफ एटॉमिक नंबर फर्स्ट 20. आई हैव प्रोवाइडेड यू द लिस्ट ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर्स. ओके, एटॉमिक नंबर के साथ मैंने आपको उसकी लिस्ट प्रोवाइड की थी कि आप लोग उसको याद कर लें, लिख लें जर्नल्स पे. होपफुली यू हैव डन द वर्क. स्टूडेंट्स, कर लिया होगा आपने. अच्छा, आई डिडंट प्रोवाइड यू मास नंबर. मास नंबर के मैंने साथ में प्रोवाइड नहीं किया आपको, सिर्फ एटॉमिक नंबर प्रोवाइड किया था ताकि डिफिकल्ट ना हो. ठीक है, एटॉमिक नंबर याद कर लें, फिलहाल इतना काफ़ी है. इन फर्दर क्लासेज वेन यू विल मूव ऑन यू हैव टू लर्न द मास नंबर 2. ओके, वो भी याद करना पड़ेगा आपको, मास नंबर भी. अभी फिलहाल जो है टॉपिक नंबर काफ़ी है, वो याद कर लें आप, तो इससे जो है आपको अच्छा रहेगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ बेसिकली द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम विद इट्स एटॉमिक नंबर, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर शोन इन द ऑर्बिटल्स इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो मैंशन. यानी आपके कितने कौन से ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको डायग्राम फॉर्म में हम शो करते हैं. इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक एस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन एटम. स्टूडेंट, देखिए हाइड्रोजन एटम की एग्जाम्पल है. इसमें क्या है, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? ओनली 1 होता है, एंड देर इज नो न्यूट्रॉन. हाइड्रोजन इज ओनली द एलिमेंट. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट, हाइड्रोजन इज ओनली द एलिमेंट. इट इज द यूनिक एलिमेंट विच डजेंट पजेस
द न्यूट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके अलावा सारे एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन की यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन द इमेज दैट देर इज ओनली वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम वाइल देर इज वन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। अच्छा देखिए, द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहा है, जो वन इलेक्ट्रॉन है वो किस में मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है ऑर्बिटल में, ठीक है, ऑर्बिटल में मूव कर रहा है। अच्छा, जो ऑर्बिटल में मूव कर रहा था, फर्स्ट ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज के ऑर्बिटल, क्या कहते हैं इसे, फर्स्ट ऑर्बिटल को हम कहते हैं के ऑर्बिटल, के शेल, के ऑर्बिटल, ओके, के शेल भी कहते हैं इसे और के ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है। सो इन द स्क्रीन यू कैन सी देयर देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इन द के ऑर्बिटल। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, नॉलेज के लिए, एंड रिमेंबर दिस थिंग, इन द फर्स्ट ऑर्बिटल ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। कितने इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। और सेकेंड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, थर्ड में कितने आएंगे, मैं साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताती रहूँगी, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्बिटल यानी के शेल में, के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही वन है, ठीक है, तो इसलिए इसमें ज़ाहिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वन ही होगा। तो इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, आपको नजर आ रहे हैं इसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन इसमें आपको नजर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई एम रिपीटिंग, इन द हाइड्रोजन एटम इट्स द यूनिक एटम विच विल हैव ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, इट डजंट पजेस न्यूट्रॉन, ठीक है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट कैसे शो करते हैं, वी यूज़ द कंपस यूज़ करेंगे आप, इसी तरह डायग्राम बनाएंगे, इसकी न्यूक्लियस शो करेंगे, न्यूक्लियस में वन प्रोटॉन और वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज द एग्जाम्पल ऑफ हीलियम। देखिए हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, देखिए नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है, जो लोअर साइड पे लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर शो करता है हीलियम HE, ठीक है, जो लोअर साइड पे 2 लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर शो कर रहा है, और अपर साइड पे जो 4 लिखा हुआ है वो शो कर रहा है मास नंबर। मास नंबर हमेशा ऊपर की साइड पे लिखते हैं, अपर साइड पे लिखते हैं, और जो एटॉमिक नंबर है वो लोअर साइड पे लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दैट इन द हीलियम देयर आर इन द न्यूक्लियस यू कैन शो देयर आर 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, कहते हैं 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं इसके अंदर, वाइल देयर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के ऑर्बिटल, ठीक है। आप देख सकते हो कि के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल में मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं। सो इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ हीलियम, ठीक है, वी कैन शो इट इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एज शोन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है वैसे जो है आपको इसको आपकी डायग्राम अपने शो करनी है अपने। सो व्हाट इज़ द होमवर्क, होमवर्क इज दैट स्टूडेंट दैट यू हैव टू शो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, द क्वेश्चन इज दैट शो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, शो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आपने हाइड्रोजन की डायग्राम ड्रॉ करनी है, इस तरह से स्क्रीन पर नजर आ रही है, यू विल यूज़ अ कंपास, और इस तरह से आपने हीलियम की डायग्राम ड्रॉ करनी है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो ये कि इन द फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट, ठीक है, किसी भी एटम के फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, 2 से कम हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन में 1 है और जैसे और 2 हो सकते हैं, जैसे कि हीलियम में 2 है, ठीक है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे हम शो करेंगे, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी स्टूडेंट्स, डू दिस क्वेश्चंस इन द साइंस जर्नल स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी, कीप योर वर्क अप टू डेट। आई थिंक हम लेक्चर्स बहुत फास्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा पढ़ रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम ना हो, बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स अभी बाकी हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे हम, तो स्टेप बाई स्टेप आई विल टेल यू वट विल हैपन विथ विच एलिमेंट, ओके। सो hopefully you enjoy the lecture of today and you will remember the points, okay, thank you, take care students, if you have any query then you can ask me, do the work in your journals.
neatly. Stay safe at your homes. Take care. Allah Hafiz. Okay, one more thing. When you draw the circles in the nucleus, you can show any color, any pencil color. ठीक है, जैसे न्यूक्लियस में आप कोई पेंसिल कलर शो कर सकते हैं ताकि डायग्राम अच्छी लगे, प्रेजेंटेबल लगे. ठीक है, अदरवाइज जो पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डायग्राम है वो पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, पेंसिल से कंपास से कंपास यूज़ करते हुए ड्रॉ करिएगा. ठीक है, लेकिन जो उसका न्यूक्लियस है उसमें आप जो है ना कोई सी भी कलरफुल पेंसिल यूज कर सकते हो, कलर शो कर सकते हो ताकि थोड़ा सा एक अच्छा भी लगता है. ठीक है ना, तो अच्छा लगे इसलिए आप उसमें कलर यूज कर सकते हो. ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.